जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के जुबानी वार तेज होते जा रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी और राहुल गांधी पर बरसने वाले एआईएमआईएम प्रमुख ने अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों पर हमले बोलना शुरू कर दिए हैं और इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिससे दोनों पार्टियों का बिफड़ना तय है। आगामी चुनाव से पहले पीएम मोदी को लेकर सभी दल अपने अपने नेता की तारीफ में कसीदे कर रहे हैं। जहां बीजेपी पीएम मोदी को बेस्ट बता रही है तो वहीं कांग्रेस राहुल गांधी का गुणगान कर रही है। वहीं जब इस पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने दोनों ही नेताओं को अपने निशाने पर ले लिया। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दोनों ही इस मुल्क के लिए ठीक नहीं। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, ऐसे में हम इन दोनों के मोहताज कभी नहीं होंगे, ना ही कभी मेरे मोहताज होंगे, हमारे पास बहुत टैलेंट है। वैसे तो ओवैसी कई बार पीएम मोदी और राहुल गांधी पर तीखे हमले कर चुके हैं। पिछले दिनों ही उन्होंने तीन तलाक बिल से लेकर सवर्ण आरक्षण तक हर मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा था। वहीं राहुल गांधी को भी अपने लपेटे में लेते हुए उन पर हिंदुत्व और हिंदुओं के हिमायती होने को लेकर निशाना साधा था। लेकिन आज तो ओवैसी ने दोनों की काबिलियत पर सवाल उठाकर बड़ा हमला बोला है जिस पर दोनों पार्टियों का बिफड़ना तय है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।